Tani and you are watching my channel The Experience. मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स. Today's episode is on mythological and scientific reasons behind doing Ganpati. उससे पहले wishing you all a happy Ganpati. So friends, we in our lifetime do a lots of puja in our house, like Ganpati हो गया, लक्ष्मी पूजन हो गया, सरस्वती पूजा हो गया, काली पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया. We generally do a lot of puja, we generally Hindus. But have you ever thought, because Indian civilization is one of the oldest civilization in the whole world, so there's also a scientific reason to everything that we do. So first thing behind doing Ganpati, I've been saying the side by side mythological and the scientific. So aga aapko ye nahi pata hum kyun karte hain, so we can do this. Ganpati is generally done for a period of 10 days. We can also do it for 1.5 days, 2.5 days, 7 days and 10 days. दिनों को ये लगता है कि नहीं ये नहीं पता, तो हाँ गणपति को ऐसे ही लाया जाता है. दिस वॉर 1.5, 2.5, 3, नॉट 5, 7 एंड 10. सो दिनों को ये लगता है कि नहीं हम तो एक दिन के आते हैं, तो प्लीज आप ये भी देखो, आप एक दिन के लिए नहीं आते हैं. जिस दिन आप गणपति को लाते हो वो एक दिन है, एंड जिस दिन आप उनको विसर्जन के लिए ले जाते हो बाबा को, वो एक दिन, वो आधा दिन है. तो हम डेढ़ दिन के लिए लाते हैं बाबा को. सो बट फ्रेंड्स थिंग इज, हम बाबा को लाते क्यों हैं? माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट इज, बाबा को विघ्नहर्ता बोला जाता है, सुखकर्ता बोला जाता है, दुखहर्ता बोला जाता है. बाबा को तो कई नाम है, एंड उनको शुभता का प्रतीक बोला जाता है. सो जब बाबा को हम घर लाते हैं, आप देखो कि घर में एक शुभता का वातावरण खुद ही से बन जाता है. There's a sense of this, you know, like happiness fills in the air when we worship Lord Ganpati. So Ganpati जब आते हैं गणपति के साथ उनके, तो देवियां आती हैं, लोगों को नहीं पता. Yes, अब हमारे पापा के दो बीवियां हैं जिनको रिद्धि एंड सिद्धि बोला जाता है, दोनों बहनें हैं, एंड पापा उन्हीं के साथ हमारे घर को आते हैं. सो बट ये तो हो गया मैथुल, एंड हमको सुखता सम, हम सुख समृद्धि के लिए पापा को घर को लाते हैं. ये तो हो गया साइंटिफिक माइथोलॉजिकल. साइंटिफिक रीजन क्या है? जो पुराना जमाना था, जनरली जो पापा का स्टैचू करके पूजा करने का जो ना शुरुआत, ये माना जाता है कि ये 18 या 19 उसी के बीच से स्टार्ट हुआ. तो ये इसीलिए तब जब स्टार्ट हुआ ना, ये हम ऑर्गेनिकली बनाते हैं, जो आज हम ऑर्गेनिक स्टैचूस बोलते हैं, ये तब से है. तब हम नेचुरल क्ले से बनाया जाता था, जो कलर्स वगैरह, जो लीव्स, कलरफुल लीव्स हैं, तो उनको पीस कर उनका पाउडर बना के, तो उनसे कलर कलर दिया जाता था. बहुत स्टैचूस है ऑर्गेनिक, एंड तो जब भी स्टैचूस हम लेके विसर्जन, पापा को जब हम पानी में विसर्जन देते हैं, तो विसर्जन क्यों देते हैं? बिकॉज ये जो विसर्जन हम देते हैं, स्टैचू तो क्ले की बननी होती है ना दोस्तों, तो ये जो रिवर है, जिस रिवर में हम पापा को डालते हैं, तब ये रिवर क्लीन हो जाता था. सो नो पॉल्यूशन है. सो जो क्ले है, वो जितना भी जो डर्ट है, पॉल्यूशन है जो रिवर का, उसको साथ में लेके जाके रिवर बेड पे ये डिपोजिट हो जाता था, एंड जो रिवर का जो रिवर बेड है उसका फर्टिलिटी भी बढ़ाता था. आज के टाइम पे हम इसको केमिकल्स देके वी आर जस्ट पॉल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट. सो इसको ऐसा नहीं स्टार्ट किया गया था, बट वी आर डूइंग इट, सो वी शुड स्टॉप डूइंग इट. सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अब किसी भी देव देवी का आप लाते हो मूर्ति घर पे, तो प्लीज उनका ऑर्गेनिक वर्जन ही लाइए, या तो फिर आप अपने घर पे लाके रख दीजिए. मार्बल का हो गया, पीतल के होंगे, या भी सोने होगा, जो भी आप जिस आपके रखते रखना चाहते हो पूजा करने, उनको रखिए, उनको पूजा कीजिए, सो दैट वी विल बी पॉल्यूटिंग आवर एनवायरमेंटल एज. फिर जो दूसरा एस्पेक्ट है, पापा को दुर्वा तुलसी, तुलसी एक ऐसा पत्ता है जो हम साल भर पापा को नहीं चढ़ाया जाता है तुलसी, पर गणपति के दिन
बप्पा को तुलसी चढ़ाया जाता है। तो इसलिए जो दुर्वा चढ़ाया जाता है, तुलसी चढ़ाया जाता है, बप्पा को बेलपत्ता चढ़ाया जाता है, तो ये इसलिए चढ़ाया जाता है कि अगर ये तीनों माना जाता है कि ये तीनों अगर कोई बप्पा को चढ़ाते हैं तो बप्पा उनके ऊपर खुश हो जाते हैं एंड उनको सुख समृद्धि से भर देते हैं। एंड जिसके ऊपर बप्पा खुश होते हैं तो आप भी शायद जानते हो कि उनका लाइफ निर्विघ्न का हो जाता है। बट ये तो हो गया माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट। व्हाट इज द साइंटिफिक एस्पेक्ट? देखिए, दुर्वा अगर आप देखोगे तो दुर्वा एक घास है, एंड अगर पूरा फील एक दुर्वा का जो घास है वो पूरा फील्ड में बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है, एंड उस जो सॉइल का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो फर्टिलिटी वैल्यू है, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है स्लोली। सो हमको दुर्वा निकालना पड़ता है फील्ड। सो कैसे निकालें? तो अगर तो हम ये गणपति के टाइम पे हो गया, फिर गणपति को देने के लिए हो गया, हम दुर्वा को निकालते हैं। दैट इज वाई वी आर इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। बिसाइज दुर्वा सॉन्ग हो गया, तुलसी के पत्ते हो गए, या तो फिर बेलपत्ता हो गया, अगर आप इस रिवर को रिवर में इसको डालोगे तो आप देखोगे कि रिवर का जो रिवर भी बहुत जल्दी क्लीन होने लगेगा, बिकॉज ये जो तीन लीव्स हैं इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छा है एंड ये बहुत मेडिसिनल भी है। थर्ड एस्पेक्ट है के मोदक। यस, इसका भी साइंटिफिक एस्पेक्ट है। तो जनरली आजकल तो कहीं टाइप ऑफ मोदक बनाया जाता है, पर पप्पा को मोदक बहुत पसंद है। तो इसका भी स्टोरी है। तो स्टोरी ये कि माता पार्वती पहला पप्पा को रेडी करने के बाद, मतलब जब उनको अपने हल्दी या उनसे उनको बनाई, तो और फिर जब और उसके बाद भी जब उनके शिव जी के साथ उनका युद्ध हुआ, जानन का शीश मिला उनके बाद, तो पहला चीज माता ने खिलाया था पप्पा को वो था मोदक। तो मोदक पप्पा को बहुत प्यारा है इसलिए। तो वो जो मोदक था वो गुड़ एंड नारियल से बनाया गया था। तो पप्पा को अभी भी हम गुड़ नारियल का मोदक प्रसाद लगाते हैं। तो ये तो था माइथोलॉजिकल एंड साइंटिफिक रीजन ये है हम क्यों खाते हैं। डिलीशियस है? नहीं। हेल्दी है? नहीं। या मोदक इज वेरी हेल्दी। इसमें कोकोनट है, तो कोकोनट हमारे के लिए बहुत फायदेमंद है डाइजेस्टिव। अगर लिमिटेड क्वांटिटीज में खाया जाए तो कोकोनट अपना हमारे डाइजेस्टिव को बूस्ट करता है। फिर उसमें गुड़ है, जैगरी है, तो जैगरी में आयरन रहता है जो हमारा ब्लड में हेमोग्लोबिन कंटेंट बढ़ाता है, उनका हार्ट के लिए अच्छा है। जो लोग डायबिटिक है वो भी गुड़ खाते खा सकते हैं। सो ये भी इट्स लाइक क्या बोलूँ, हेल्थ बॉम्ब इन इस। सो इसलिए मोदक चढ़ाया जाता है पप्पा को। सो ये था गणपति का साइंटिफिकल एस्पेक्ट या माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया। अगर आप लोग नहीं जानते थे तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अभी तक, या अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं हो। एंड अगला वीडियो है वो किस पे बनाया वो बता देता हूँ। वो है 33 क्रोस बोला जाता है ना, वो ये उस पे बनाया। ये वीडियो तब तभी देखना तभी आपको पता चलेगा कि 33 क्रोस देवा देवी है कि नहीं है, उससे पहले नहीं। तो यस, लास्ट में सिर्फ इतना ही बोलूंगा, पप्पा सबको खुश रखे, सबको समृद्धि दे, एंड सबके घर आरोग्य एंड निरोग्यता प्रदान करे। वही आशीष मांगता हूँ पप्पा को आप सबके लिए। अभी के टाइम में तो वो बहुत चाहिए। उम्मीद करता हूँ पप्पा जब 10 दिन रहने वाले हैं तो ये 10 दिन में कोरोना जैसे महामारी से हमको रक्षा जरूर करेंगे। आइए तो पप्पा को नमन ही करते हैं, तो पप्पा हम सबको सुख शांति से समृद्धि दे। पप्पा का एक आलती मेरे को याद है, आप लोग बोल देता हूँ। सुख करता तो कहता बनता विघ्ना जी, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दया जी, सर्वांगी सुंदर उठि सिंदूरा जी, कंठी जल के माल मुक्ता पारा जी। जय देव जय देव, जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति हो श्री।
व्यसन मात्रे मन कामना बुद्धि जय देव जय देव रत्नाखा चिरफारा तुझा गौरी कमरा चंदरा चियुटी केसरा हीरे जरित मुख शोभा ते बारा रंजुला तीनो पूरे जरनी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना बुद्धि जय देव लंबोदर लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरल सोन वक्र टुंड त्रिनयना दास रामाचा बाट पाहे सतना संकटे पाहे निर्वाणी रक्षा वे सुरवर वंदना जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना बुद्धि जय देव नमस्ते।